जनपद में राप्ती नदी और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ जाने से पानी नदियों के खतरे के निशान के ऊपर आ गया है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में राप्ती और सरयू नदी का जलस्तर डेंजर लेवल के पास आ गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि नदी का जलस्तर बढ़ गया है, अर्थात नदी में ना जाएं, जिससे कि किसी दुर्घटना से बच सकें। उन्होंने कहा कि अगले एक सप्ताह में नदी फिर अपनी जगह पर आ जाएगी और जो लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और नदी के किनारे हैं, नदी का जलस्तर देखते रहें और अपना जो भी सामग्री है उसे सुरक्षित रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। मेरे जनपद में गोरखपुर में राप्ती नदी और सरयू नदी का जलस्तर डेंजर लेवल के पास है। मेरा अनुरोध है आम नागरिकों से, इस समय नदी में ना जाएं। नदी में अथाह पानी है और उससे कोई दुर्घटना भी हो सकती है। मेरा अनुमान है कि अगले एक सप्ताह में नदी फिर अपने चेतावनी के बिंदु से भी नीचे आ जाएगी, तब तक के लिए नदियों में ना जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो बाढ़ क्षेत्र में लोग हैं, गांव हैं, उनके लिए जो लोग बाढ़ क्षेत्र या नदी के किनारे हैं, लो लेवल में हैं, जिसको LFL बोलते हैं, लो फ्लड एरिया लेवल, तो वहाँ के लगभग हमारे 140 गाँव हैं, उन गाँवों से मेरा अनुरोध है कि वे नदी का जलस्तर देखते रहें, हमारी वेबसाइट देखते रहें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप देखते रहें। उनसे उनको मालूम हो जाएगा कि नदी का जलस्तर क्या है, आगामी संभावनाएं क्या हैं, और वे नदी में ना जाएं और अपना जो भी सामग्री है उसको सुरक्षित रखें। यदि पानी और ज़्यादा बढ़ता है तो किसी भी ऊंचे स्थान पर अथवा हमारा जो बाढ़ का सड़ाले बना हुआ है वहाँ पर आ जाएं। धन्यवाद।